हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सब्जियों के राजा आलू से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा और करारा नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और इस नाश्ते को खाने के बाद आप पिज्जा और बर्गर भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 आलू, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है, फिर छिलके को निकाल लिया है, और यहाँ पे आलू को मैंने ठंडा कर लिया है। आपको अभी आलू को ठंडा करके इस्तेमाल करना है, गर्म आलू नहीं इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिया था, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं किया, यानी बहुत ज्यादा फाइन नहीं किया, हल्का सा मोटा मोटा कट किया है। जो लोग प्याज नहीं खाते, बिना प्याज के बना सकते हैं डियर, आप प्याज हटा देना। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना डियर, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। हमने एक पैन में लिया है 1 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम 1/2 टीस्पून तक जीरा डालेंगे। जीरे को हमें काला नहीं करना है, हल्का सा चटकाना है। तो यहाँ पे जब देखिए जीरा हमारा चटक गया है, तो हम अपने इसमें प्याज डाल देंगे, और प्याज को हम धीमी धीमी आँच पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, काला नहीं करेंगे। तो प्याज डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जो लोग प्याज नहीं खाते वो हटा सकते हैं। इसकी जगह पे आप पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग प्याज नहीं खाते हैं डियर। तो यहाँ पे हम प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, काला गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो फ्रेंड देखिए, हमारे प्याज हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। जब ये हल्का सा शुरू हो जाए, तब इस स्टेज पे आप इसमें डाल दीजिए 1 शिमला मिर्च, क्योंकि बच्चों के हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है शिमला मिर्च, क्योंकि इसमें पाया जाता है कैल्शियम, और बच्चे बहुत ज्यादा खेल कूद करते हैं, और कैल्शियम आपकी हड्डी को मजबूती देता है। तो वैसे तो वो शिमला मिर्च खाने वाले नहीं है, तो इस तरीके से हम नाश्ते में खिला सकते हैं। तो यहाँ पे हम शिमला मिर्च को अच्छे से प्याज के साथ भूनेंगे, इसीलिए हमने प्याज को हल्का सा कम ही था तभी शिमला मिर्च ऐड कर दिया है, क्योंकि जब हम शिमला मिर्च को भूनेंगे तो प्याज भी हमारी अच्छे से भून जाएगी। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे हमने हरी मिर्च ली है जो बड़े थी, अगर आपकी छोटी है तो आप 2 ले लेना, और हमने 2 इंच का अदरक लिया है, जिसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में हल्का हल्का सा कट कर लिया है। आप चाहे तो इसको ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से पीसेस करके डालेंगे तो अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे अदरक का सेवन करने से, यानी अदरक डालने से आपके शरीर को गर्माहट मिलेगी, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, आप लोग समझ जाना। तो यहाँ पे जब ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा, तब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें टर्मरिक पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा 1/4 चम्मच गरम मसाला। ये मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी वाली भी डाली है इसीलिए हम कम डालेंगे। और अब इसमें हम 1/2 टीस्पून तक डालेंगे चाट मसाला। तो चाट मसाला डालने से बहुत ही ज्यादा चटपटा होगा। मसाले को भी हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे हमने नमक नहीं डाला है, तो पहले हम मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना जितना नमक खाते हो। तो यहाँ पे हमने नमक डाल के अच्छे से वापस से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम अपने आलू डालेंगे, जिसको हमने इस तरह से मैश कर लिया है हाथ से। आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद होता है आलू। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे पनीर भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे छोले को भी उबाल कर पीस कर डाल सकते हैं, या सोयाबीन भी इस्तेमाल किया जा सकता है डियर। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से आलू को भूनेंगे, ताकि आलू की जितनी भी नमी है वो निकल जाए। अगर आपका आलू बहुत ज्यादा चिपचिपा है, तो आप शुरुआत में 1 चम्मच बेसन को तेल में भूनने के बाद आलू डालेंगे, तो उससे आपका जो आलू का जितना भी मॉइस्चर होगा वो बेसन सोख लेगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से देखिए भून दिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नाश्ते की जान, थोड़ा सारा धनिया, 1 बड़ा चम्मच है। अगर छोटा चम्मच देखा जाए तो 4 चम्मच है। तो जो लोग हरा धनिया इतना नहीं खाते वो कम कर सकते हैं। कौन कौन मेरी तरह बिल्कुल हरा धनिया बहुत ज्यादा पसंद करता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पे अगर आप हरा धनिया नहीं खाते तो आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा चटपटा सा आलू रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम दूसरा काम कर लेते हैं, इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने साइड में निकाल के रख दिया है। जब तक ये ठंडा होगा, हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 2 गिलास पानी। तो पहली गिलास ये देखिए हमने डाल दी है, बड़ी गिलास डालनी है 2 गिलास। तो फ्रेंड ये गया हमारा दूसरा गिलास पानी। पानी को हमें 1 उबाल आने का वेट करना है। तो फ्रेंड देखिए, हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें 1/2 टीस्पून तक नमक डालेंगे, क्योंकि हमारा इसके अंदर भी नमक है, तो हमें बैलेंस के साथ नमक डालना है, ज्यादा नमक नहीं डालना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे अब इसके अंदर क्या जाएगा आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देसी घी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल मेल्ट होने तक
पका लेंगे, यानी जब तक हमारा घी नहीं पिघलता है तब तक हमें इसको पकाना है और तभी टेस्ट अच्छा आएगा हमारी रेसिपी में। तो फ्रेंड अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे हींग 1/4 चम्मच और हींग डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए घी हमारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको भी बारीक वाली सूजी लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो मिक्सी जार में डालकर एक बार ग्राइंड कर लेना। तो यहाँ पे वेट ने हमारी ये मुश्किल से 50 ग्राम है, नाप में एक कटोरी है। तो यहाँ पे सूजी को हम इस तरह से डालेंगे और चलाते जाएंगे। तो एक साथ सूजी नहीं डालनी है, नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे सूजी का कलर भी अच्छा आएगा और बिल्कुल अच्छे से हमारी दानेदार सूजी बनेगी। अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कंटिन्यू चला इसलिए रहे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है। ये देखिए तो यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी इस्तेमाल किया है 1 कटोरी सूजी के लिए। अगर आप 2 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आपको 4 गिलास पानी लगेगा। जितना अच्छे से हम इसको पकाएंगे उतना ही हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको पका लेंगे 2 मिनट तक। तो फ्रेंड देखिए 2 मिनट के बाद सूजी बिल्कुल इस तरह से पैन छोड़ने लगती है और सारी सूजी हमारी देखिए कितनी दानेदार हुई है, आपको करीब से दिखाते हैं। और इस तरह से आप चेक कीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, बहुत जल रहा है। तो केयरफुली आप इसको इस तरह से गोला बनाइए। अगर ये गोला बिना क्रैक किए हुए बनना है तो समझ जाइए आपकी सूजी अच्छे से पकी है। अब इसको एक बर्तन में निकाल कर हम ठंडा करेंगे। तो चलिए फटाफट ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम फटाफट सारा सूजी इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने का वेट करेंगे। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम इसे छू पाएं। तो फ्रेंड देखिए ये हल्का सा ठंडा हो गया, अब इसे हम छू पाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून तक हम डालेंगे चाट मसाला, ज्यादा चाट मसाला नहीं डालना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए, हरा धनिया है। तो यहाँ पे हमने पानी को सुखाने के बाद धनिया को कट करके डाला है और आप चाहें तो इसकी जगह पे कड़ी पत्ते को भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर के। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं या चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो ये दिया हमारा 2 चम्मच, 3 और ये हमारा 4 चम्मच। इससे नाश्ता हमारा बहुत ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदा का भी इस्तेमाल किया कर सकते हैं। अब इसको हम जब हल्का सा गर्म होगा तभी मिला लेंगे सारी चीजों को, ताकि आपस में मिल जाए। तो अगर आपको लगे ज़रा जल रहा है तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा पानी में डालकर भिगा कर तब इसे मसल मसल कर बिल्कुल डो के फॉर्म में, जैसे आटा होता है रोटी वाला गूंदा हुआ, वैसे हमें लेके आना है इसको। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मसल मसल के मैंने बिल्कुल इसको डो के फॉर्म में ले आई हूँ। और यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि सूजी हमारी वैसे ही पानी सोखी है, तो उसमें आप थोड़ा सा कुछ भी डालेंगे तो वो अच्छे से मिल जाएगा। तो हल्का सा गर्म होगा तभी हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को वॉश करने के बाद इसे शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये आलू जो था अभी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम बनाना शुरू करेंगे, पहले हाथ को वॉश कराते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम प्लेट ले लेंगे, इसमें बना बना के रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अब अपने हाथों पे ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि ये चिपके ना। तो 2 से 3 बूंद ऑयल लेके अच्छे से अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है। और अब हम इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे नींबू के आकार का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। और इसको हम इस तरह से गोला बनाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको 1 से 2 बार मोड़ना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाए, आप चाहें तो गूंद भी सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, ये देखिए हो गया। और आपने ऑयल लगाया होगा तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और यहाँ पे हमारा जो मसाला वाला आलू था इसको हम ले लेंगे और इसको हम इस तरह से सिलेंडर का शेप दे देंगे। और इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा भर सकते हैं, जितना कम चाहें उतना कम कर सकते हैं। और अब हमें इसको छुपाना है इसके अंदर, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आप इसको लॉक कर देना। देख रहे हैं आप लोग, तो हम इसे गेहूं का आकार देंगे, जो व्हीट फ्लावर होता है उसकी तरह हम इसको इस तरह से बना के तैयार करेंगे और इसके ऊपर डिजाइन डालेंगे। कैसी अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए हो चुका है रेडी। अब हम नाइफ ले लेंगे यानी चाकू, और यहाँ पे हम चाकू का उल्टा वाला भाग इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस तरह से कट लगाएंगे। ये देखिए बहुत ज़रा डीप नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको कट लगाना है डियर।
देखिए कितना सुंदर लुक लग रहा है, बिल्कुल गेहूं लग रहा है ना। तो किस किस को लग रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसी तरीके से हम बाकी भी तैयार कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बना लिया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। तो आप इसे हवा बंद डिब्बे में बंद करके फ्रिज में लगा सकते हैं 10 से 15 दिन तक, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जब आपके यहाँ मेहमान आए या आपका मन करे आप इसे निकाल के बना सकते हैं, और बना कर रख देंगे तो लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ, इसे बनाकर दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड आ गया गैस की तरफ, एक पैन लिया, इसमें हमने तेल रखा है, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसे कम तेल में बनाऊंगी, सलो फ्राई करूंगी। और यहाँ पे तेल को आपको अच्छे से गर्म करना है, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ लीजिए और भारी लीजिए। तो तेल को हमें बहुत ज्यादा धुआंदार नहीं गर्म करना है, लेकिन अच्छा सा गर्म होना चाहिए हमारा तेल। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब अपने तैयार नाश्ते को इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसे डालते समय आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये फट जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब भी वो सूजी की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो फट जाती है। उसका कारण ये रहता है कि आप लोग फ्लेम को हाई कर देते हैं। तो लो फ्लेम पर बनाएंगे तो कभी भी नहीं फटेगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से डाल दिया है, अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, फिर उसके बाद टर्न करेंगे। और उससे पहले आपको इसको टच नहीं करना है। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब इसे हम नाइफ की सहायता से या छोटे चम्मच की सहायता से आप किसी से भी इसको टर्न कर सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा नाश्ते का लुक आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम इसको दूसरे साइड से भी 2 मिनट पकाएंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये अच्छा सा कुक नहीं होगा और मज़ा नहीं आएगा खाने का। तो थोड़ा सब्र से काम लेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा और लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर पाएंगे। तो देखिए टर्न कर दिया, दूसरे साइड से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसे दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए दूसरे साइड से भी बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है, बिल्कुल भी फटे नहीं है, और जो हमने इसके अंदर आलू फिल किया था बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है। और आपका भी रिजल्ट ऐसा आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाएंगे। तो देखिए हमारे नाश्ते का फाइनल लुक कितना खूबसूरत है। तो चलिए हम फटाफट इसको निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी ये जो हमारा है ये भी बनाने के बाद आपसे मिलेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो वापस निकल जाए, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बना है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, देखिए। तो फ्रेंड बनकर रेडी है हमारा खूबसूरत सा नाश्ता, जो देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा हेल्दी है, लाइट वेट है। आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए नाश्ता हमारा कितना प्यारा लग रहा है, चलिए आपको करीब से दिखा देते हैं। ये देखिए कितना ज्यादा क्रिस्पी है और आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ, आप इसे मोमोज चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ दिखा सकते हैं। और देखिए कितना कम तेल सोखता है, तो देखिए हथेलियों पे प्रेस कर रहे हैं तो तेल ही तेल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है। और आप अगर इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा तेल को अपने अंदर जाने नहीं देता है। आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदर से काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और आलू देखिए कितने अच्छे से भरा है। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, साथ में ऑल का बटन दबाना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए सुपर टेस्टी नाश्ते को हम ट्राई करते हैं, आप भी बनाइए, खाइए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।